दोस्तों, पिछले 6 सालों से टीवी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ठहाके लगाने वाला कोई शो है तो वो है भाभी जी घर पर है। जिसने अगर इतना लंबा सफर तय किया है तो इसके पीछे सीरियल के स्टार कास्ट का बेहद इम्पोर्टेंट और अहम रोल रहा है। चाहे फिर बात टीका मलखान की हो या फिर अनोखे लाल सक्सेना की बात हो, जिन किरदारों को निभा कर आज ये कलाकार इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं कि इन्हें इनके असल नाम से ज्यादा इन्हीं किरदारों के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि सीरियल को इतना मजेदार और इंटरेस्टिंग बनाने वाले यही कलाकार अपने अपने किरदारों को निभाने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं, जिनके बारे में जानकर शायद ही आप सुनी बातों पर यकीन कर पाएंगे। तो चलिए फिर, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सीरियल में नजर आने वाले कुछ चुनिंदा कलाकारों की सैलरी और उनके वेतन के बारे में बताने वाले हैं, जो कि डे बाय डे के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, रोहिताश गौड। सीरियल में मनमोहन तिवारी का मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता रोहिताश गौर जिस तरह से अनीता भाभी को इम्प्रेस करने के लिए नए नए नुस्खे आजमाते रहते हैं, जितनी भी तारीफें उस कैरेक्टर की किए जाएं वो उतनी ही कम है। साथ ही अपनी पत्नी अंगूरी से परेशान होते हुए भी रोहिताश गौर दर्शकों द्वारा खूब ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। वही बात की जाए इनकी एपिसोड की सैलरी के बारे में तो बता दें कि मनमोहन तिवारी के इस किरदार को अदा करने के लिए ये कलाकार तकरीबन 60,000 रुपये पर डे के हिसाब से मोटी रकम चार्ज करते हैं, जो इन्हें खुशी खुशी दी जाती है। नंबर 2, शुभांगी अत्रे। जी हाँ, सही पकड़े हैं, अभिनेत्री शुभांगी अत्रे वही हैं जिन्हें सीरियल में अंगूरी भाभी का मजेदार और एंटरटेनिंग किरदार निभाते हुए देखा जा रहा है, जो कि अपने कनपुरिया भाषा से सीरियल को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बना रही हैं। हालांकि इन्होंने सीरियल को आधे अधूरे मोड़ पर ही ज्वाइन किया था, लेकिन इतने कम समय में ही दर्शकों के दिलों में ये जीत चुकी हैं और इन्हें अंगूरी भाभी का ये जबरदस्त किरदार निभाने के लिए तकरीबन 40,000 रुपये जैसा पर डे के हिसाब से अमाउंट पे किया जाता है। नंबर 3, योगेश त्रिपाठी। सीरियल में दरोगा अप्पू सिंह का किरदार इतना एंटरटेनिंग है, इस बात से तो आप सभी वाकिफ ही हैं, जो कि अपने नौनौटैया बच्चों के साथ साथ न्योछावर के लिए भी सीरियल में बेहद ज़्यादा मशहूर हैं। इसी शानदार किरदार को निभा रहे हैं अभिनेता योगेश त्रिपाठी, जिन्हें मुँह में पान लिए दरोगा अप्पू सिंह का ये किरदार निभाने के लिए तकरीबन 35,000 रुपये पर एपिसोड के लिए दिए जाते हैं। नंबर 4, सौम्या टंडन। हालांकि अभिनेत्री सौम्या टंडन सीरियल से लेफ्ट कर चुकी हैं, लेकिन सीरियल में जिस तरह से इन्होंने विभूति नारायण मिश्रा की पत्नी अनीता भाभी का किरदार अदा किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। इसलिए तो शो से लेफ्ट करने के बाद भी इन्हें फैन सीरियल में सौम्या टंडन को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब बात की जाए इनके एपिसोड चार्जेस की, तो बता दें कि हर एक एपिसोड में काम करने का तकरीबन 60,000 रुपये लिया करती थी, जिनकी सीरियल में बेहद ही अहम भूमिका रही है। नंबर 5, आसिफ शेख। सीरियल में अंगूरी भाभी के इंग्लिश को अक्सर ठीक करने वाले विभूति नारायण मिश्रा को भला कोई कैसे भूल सकता है, जो कभी छपरा यूनिवर्सिटी की वजह से छाए रहते हैं, जो कभी नल्ला बनकर दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर देते हैं। इसी मजेदार किरदार को बखूबी पर्दे पर पेश करते नजर आ रही हैं अभिनेता आसिफ शेख। इन्होंने शुरुआती दिनों से ही दर्शकों को हंसाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है और इसी मज़ेदार किरदार को निभाने के लिए इन्हें पर एपिसोड तकरीबन 70,000 रुपये दिए जाते हैं, जो कि सीरियल के स्टार कास्ट की सबसे हाईएस्ट फीस है। वेल दोस्तों, आपके हिसाब से भाभी जी घर पर हैं कि इन कलाकारों में से किस कलाकार को पर एपिसोड के मुताबिक उनके हिसाब से हाई फीस देनी चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राय ज़रूर दीजिएगा अपनी, और साथ ही साथ टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।